तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ, बस अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं मेरी भाभी के यहाँ शादी के लिए, क्योंकि उनकी दोनों बेटियों की शादी है, मैंने आपको बताया ही था, तो बस अभी चल रहे हैं। तो चले चलकर दिखाती हूँ आपको। और गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने आलस में नहीं पहना अपना वो वाला नेकलेस जो मैं इसके साथ के लिए लेकर आई थी, मैंने ये गोल्ड का ही पहन लिया है क्योंकि ये मुझे ईजी लगा, क्योंकि अगर मैं जो इसके सूट की मैचिंग का है ना, अगर वो पहनती ना तो फिर मुझे कान वगैरह के भी चेंज करना पड़ते। और हम लोग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट आए हम लोग मार्केट में ही, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और मार्केट का तो आपको पता ही है थोड़े थोड़े में ही टाइम पूरा हो जाता है, तो इसलिए तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से बस ये डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे यही डालना था और बाकी तो मैं सारा कुछ पहनी हुई थी, तो बस मैंने पहन लिया है और मैं हो गई हूँ रेडी। और जाना का बस दुपट्टा वगैरह पिन करना रह गया है और हम लोग बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं और बच्चे भी रेडी हैं और हमारी अदवी आनी जा रही है क्योंकि वो मार्केट में घूमते घूमते ना बहुत ज़्यादा थक गई है, तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। और ट्विंस हैं वो भी जा रही हैं, उनको भी दिखाती हूँ, दोनों को रेडी होकर आ गई हैं दोनों सेम कपड़े पहनकर। और जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो ये लोग रेहान फरहान का बचपन याद दिलाती हैं, रेहान फरहान भी ऐसे ही छोटे छोटे थे ना तो वैसे ही लगते थे बिल्कुल इनके जैसे ही। हाँ रेडी हो गई तुम भी, आओ तीनों बहनें रेडी हो गई हैं। ये हमारी बीच में जो है वो हमारी एल्फिया है और ये हमारी ट्विंस हैं दोनों की दोनों, तो तीनों भांजियाँ रेडी हो गई हैं। चलें चलो फरजाना बुला रही है, चलो चलते हैं। रेडी है, फरजाना को दिखाती हूँ, फरजाना का भी अच्छी लग रही है मम्मी, तो मैं जो सिलकर लाई हूँ वही वाला ड्रेस उसने पहना है। ये हम दोनों बहनें रेडी हो गए हैं, दोनों मैचिंग सेम कलर है हमारे, लाइट कलर के सूट, और फरजाना का वही पाकिस्तान वाला सूट है जो मैंने सिया है, रेडी किया है। तो बस अभी जा रहे हैं और मुगल साहब नहीं जा रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो वो नहीं जा रहे हैं, हम बहने जा रहे हैं और आशी जा रही है और ये छोटी छोटी हमारी भांजियाँ जा रही है। बस अभी मुगल साहब ने मंगवा दी है कार और हम निकल रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए, निकल आए हैं शादी के लिए। और कैसी लग रही है हमारी आशी और ये रही हमारी फरजाना, फरजाना की गोद में ये जीना तो जेवाओ। खाना मुझे भी तो बहुत लेट है, 10 बज चुके हैं, सारे हमारे रिलेटिव चले गए होंगे जाकर, मुझे लगता है बहुत तो बस हम पहुंच चुके हैं लक्की गार्डन और ये हमारी शिवपुरी में जहां फरजाना रहती है उस जगह पर सभी लोग इसी गार्डन को करते हैं। तो बस अभी मैं आ गई हूं और सभी से मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे। तो माशाल्लाह डेकोरेशन जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी करवाई है भाभी ने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी अंदर जा रहे हैं बड़ी खुशी खुशी क्योंकि यहाँ पर सभी मायके वाले मिलेंगे। और देखिए आते ही भाभी ने गले लगा लिया था हम दोनों को। तो बस ये हैं हमारी भतीजियों की मम्मी, मतलब कि मेरी भाभी, मेरे बड़े पापा की बहू, तो बस इन्हीं की बेटियों की शादी में आए हैं। और ये हैं सबसे छोटी भाभी जिनसे मिल रही हूँ और ये उनसे बड़ी हैं हाजरा भाभी। तो भाभियाँ जितनी भी हैं ना गाइज़ वो सारी बहुत अच्छी हैं और हम लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो बस अभी मिल लिए हैं और ये है हमारी आज की दुल्हन, एक दुल्हन तो विदाई होकर अपने ससुराल चली गई है और यहाँ पर मैं मिल रही हूँ बड़ी दुल्हन से। तो ये मेरी भतीजी है नीलोफर, तो बस अभी इसकी शादी अटेंड कर रही हूँ क्योंकि एक भतीजी की तो विदाई हो गई है और यहाँ मैं इससे बातचीत कर रही हूँ तो वो पूछ रही है और कौन आया है आपके यहाँ से, आप अकेली आई हो, फूफा जी नहीं आए हैं, और यहाँ पर जाना और हम दोनों खड़े हैं। तो बस अभी हमारे फ़ोटो क्लिक हो रहे थे और ये हैं आज के दुल्हा हमारी नीलोफर के। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें नज़रें बद से बचाए। और यही दुआ करती हूँ कि इनकी नई शुरुआत, नई लाइफ की नई शुरुआत है, अल्लाह ताला इनके दामन में खुशियाँ भर दें। और ये हमारी सबसे बड़ी भाभी की बेटी है तो उससे मैं मिल रही हूँ, मेरी भतीजी है ये भी और एक और भतीजी ये भी है, मेरे बड़े पापा के बेटों की बेटियाँ हैं। तो बस अभी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और हाल चाल पूछ रहे हैं एक दूसरे के। और देखें यह है सारे गार्डन का व्यू और आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो चले गए हैं। तो बस अभी यहाँ पर फरजाना और मैं अपने खाने की प्लेट लगाने लगे हैं। तो खाने में है चिकन कोरमा, बिरयानी, ज़रदा और मांडे जो कि है मेरे फेवरेट। और वहाँ सामने आपको दिख रहे होंगे वो है मेरे छोटे भाई मुबीन भाई। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग अपनी प्लेट लगा रहे हैं, लग चुकी है हमारे खाने की प्लेट और बस अभी हम यहाँ पर बिरयानी लेने लगे हैं। तो चलते हैं अपने टेबल की तरफ और बैठते हैं और तसल्ली से खाना एंजॉय करते हैं, मतलब कि खाते हैं। तो देखें बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना भाभी ने बनवाया है, भाई भाभी ने, भाभी भाभी निकलता है क्योंकि भाभी से ज़्यादा अटैच है ना इसलिए, और भाई का नाम नहीं निकलता। खैर कोई नहीं, तो यहाँ पर हम दोनों बहनें मिलकर खाना खा रहे हैं। और ये देखें चिकन कोरमा, ज़रदा, बिरयानी और ये माड़ा मेरा फेवरेट। तो गाइज़ यहाँ पर बैठी हैं मेरी सारी भतीजियाँ जो कि खाना खा रही हैं हमारे साथ ही,
और गाइज एक भतीजी की तो विदाई हो गई है, हम लोग इतना ज़्यादा लेट आए हैं ना कि एक भतीजी की विदाई हो गई, अभी एक भतीजी हमारी बाकी है, उसकी विदा नहीं हुई है। अभी मैं मिलने लगी हूँ अपने दिल्ली वाले भतीजे से। तो गाइज ये दिल्ली से आया है और इसी शादी में भी मैं गई थी, मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो गाइज भाई भाभी का पूछ रही थी क्योंकि भाभी की अभी कुछ दिन पहले ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं वही पूछ रही हूँ अपने भतीजे से कि भाभी वगैरह कैसी हैं, भाई कैसे हैं, कौन आया है क्या, तो बस वही मैं पूछ रही हूँ। तो वो बता रहा था मुझे। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ अपनी ननदों के साथ, मतलब मेरी ननद भी लगती हैं और मेरी बहन भी लगती हैं, मेरे मायके के रिश्ते से मेरी बहन लगती हैं और ससुराल के रिश्ते से मेरी ननद लगती हैं। तो बस अभी उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी मुझसे यही पूछ रही हैं कि कौन कौन आया है मुरैना से। तो मैं बता रही थी उनको कि बस मैं ही आई हूँ और ये तो फरजाना की यहाँ शादी है ना, तभी आएंगे, क्योंकि अभी आते तो फिर वो उस टाइम पर नहीं आ पाते, इसलिए वो वाली शादी अटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर फरजाना भी उनसे यही बात कर रही थी। तो बस अभी दोनों बहनें मिलकर अपनी बहनों से बात कर रहे हैं, मायके में जाके मायके वाला रिश्ता निभाते हैं और ससुराल में आके ससुराल वाला। तो बस फ़िलहाल अभी हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। तो बस अभी आ गए हैं अपनी भाभी को बोलने के लिए कि भाभी सब कुछ हो गया है, मिलिए सबसे, खाना वाना भी खा लिया है, अभी हम निकल रहे हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ और वो मम्मी के बारे में पूछने लगी थी कि मम्मी और तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए हैं, तो मैंने कहा नहीं आए हैं। तो बस अभी हम यहाँ पर अपना बुहार लिखवाने के लिए आ गए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। मेरी भतीजी की शादी आज हो गया है नेक्स्ट डे और आज खाने में बन रहा है दाल चावल। तो यहाँ पर दाल फरजाना ने कुकर में रख दी है बनने के लिए और चावलों को बना लिया है, बनने वाले हैं लगभग। और यहाँ आटा लग चुका है और यहाँ आंटी आ गई हैं कपड़े धुलने के लिए फरजाना के। काफ़ी टाइम बाद मिली हूँ मैं इनसे, हर बार आते हैं जल्दबाजी में चले जाते हैं, मिल नहीं पाते, क्यों आंटी है ना, मिल नहीं पाते। हाँ और जाना कह रही है हमारी आंटी बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी मिली हुई है उनसे, नेचर अच्छा है। तो बस अभी यहाँ कपड़ों की धुलाई चल रही है। तो बस गाइस दाल चावल बन चुके हैं, मैंने बनाना कर दिए हैं शुरू चपातियाँ, तो सबका खाना होगा बस अभी। तो रोटियाँ बना रही हूँ, सारे काम चल रहे हैं जल्दबाजी में शादी वाले घर में, तो आपको पता ही है सारा कुछ जल्दी जल्दी करना होता है। तो बस कहीं भी चले जाए लेकिन ये रोटियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ती, ये तो मुझे बनानी ही पड़ती है, ये तो मुझे बनानी पड़ती है। फरजाना बनाने खड़ी हो गई थी तो मैंने उसे हटा दिया, मैंने कहा तू हट जा, तू और कुछ कर ले, मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ काम नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं, मुझे रोटियाँ हैं सिंपल सी खड़ी होकर इन जगह बना लूँगी। तो गाइस दाल चावल बन चुके हैं और रोटियां भी बन गई हैं, तो अभी खाला कहने लगी कि थोड़े से आलू भी फ्राई कर लो, जीरे वाले आलू। तो बस अभी मैं वही थोड़े से बना रही हूँ और तो बस आज की प्रोसेस यही चल रही है। तो बस ऑयल रख दिया है, जैसे घर पे काम करती हूँ वैसे मैं यहाँ भी करती हूँ, तो ऑयल गर्म होगा तब तक मेरे आलू कट हो जाएंगे। तो कढ़ाई रख दी मैंने गैस पर, तो बस फटाफट से बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मेरा नहाना बाकी है, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो बस सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस आलू कट हो चुके हैं, ज़ीरा भी वो ऑयल भी गर्म हो गया है, तो बस अभी इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। बहुत सिंपल सी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये, हमारे यहाँ भी सबको पसंद है और यहाँ भी सब लोग खाते हैं। गाइस सब्ज़ी बनाते बनाते मुझे याद आया कि मैंने अपने और उज़्मा के लिए जो स्वेटर लिए थे वो तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई हूँ, तो दिखाती हूँ। तो ये रहा वो स्वेटर जो मैंने अपने लिए लिया है और उज़्मा का मैंने रख दिया है बैग में, तो वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। फिलहाल ये है, बस कलर अलग है, पैटर्न दोनों के सेम ही है। तो बस ये है मेरा स्वेटर। तो देखिए गाइस यम्मी टेस्टी जीरे वाले आलू बनकर रेडी हुए हैं और उसमें मैंने धनिया पत्ती भी ऐड कर। तो बस गाइज आप लोगों से ले लेती हूँ विदाई। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लेना और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।